तो हेलो लोंडो, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सब लोगों? सब आप सब सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। थोड़ा बीच में बोलने का हो जाता है, ये मेरा ए साथ इशू, तो इसको तुम आप इग्नोर करना। अभी फ़िलहाल हम यहाँ पर लैंड हो रहे थे आइसलैंड पर, और यहाँ पर बंदे आ भी जाते हैं। कितने आते हैं वो तो नीचे जाके ही पता लगेगा। अभी फ़िलहाल हम बीच में ही हैं लैंडिंग के। पैराशूट पैराशूट खुलता है हमारा, और सीधा हम जाके टाप मारते हैं गन के ऊपर, मतलब बिल्कुल गन के ऊपर अपना पैराशूट फिनिश करता हूँ। देखो मेरे को मिल जाती है M16C4 और टोमी मिल जाती है। फिर मेरे को दो बंदे दिखते हैं ये लैंड करते हुए, तो देखो फिर इनके पहले भाई साहब को मैं नॉक करता हूँ। मेरे को एक गैस की कैन दिखती है, मेरे को ये बंदा लगता है, तो मैं इस पर फायर करके कन्फर्म कर लेना चाहता हूँ, लेकिन बाद में दिखता है कि हाँ ये तो कैन है, इसको इग्नोर करते हैं। फिर मेरे को इसका दूसरा बंदा ऊपर दिखता है जो इनके साथ ही लैंड कर रहा था, तो दोनों बंदों को नॉक कर देता हूँ। अब यहाँ पर ये दो ही बंदे आए थे, और कोई यहाँ पर बंदा है ही नहीं आगे, मतलब गेम प्ले तो मैं देख ही चुका हूँ ये, और इसके ऊपर वॉइस ओवर कर रहा हूँ बाद में। तो यहाँ पर और बंदा कोई नहीं है गाइस, यहाँ पर ये बंदे थे, इनको मैंने बजा दिया, इसको फिनिश किया। अब इसका जो दूसरा टीममेट है ऊपर, वो नॉक किया था, उसको भी फिनिश करेंगे। उसको फिनिश करने के बाद तो फिर हम यहाँ पर ऊपर जाते हैं और देखते हैं इसका जो बंदा दूसरा टीममेट नॉक किया था, उसको भी फिनिश करते हैं। इसको फिनिश करने के बाद यहाँ से अब निकलने का फुल प्लान है हमारा, क्योंकि यहाँ पर अब जो और बंदे नहीं है, यही दो बंदे आए थे, ये भी हमको सोच रहे थे बजा देंगे, लेकिन इसीलिए लैंडिंग में थोड़ी फास्ट करता हूँ, ताकि आते ही मैं यहाँ पर बंदों को पेल दूँ। अब मैं यहाँ पे आता हूँ सिंक डेल्टा में, और आते मेरे को बंदे का गन साउंड आ जाता है, फायर आ जाता है, मतलब वो किसी बोट को फिनिश करता है, तो मुझे पता चल जाता है उसका, उसकी लोकेशन रिवील हो जाती है। उसकी लोकेशन का मुझे पता चल गया था कि वो स्क्वाड हाउस में है। फिर मैं यहाँ से अंदर जाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ से नहीं गेट इन कर पाता, इधर से जाता हूँ और जाके फिर देखता हूँ कि वो बंदा एग्जैक्टली स्क्वाड हाउस के अंदर कहाँ पर है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, मेरे को वो दिख जाता है सामने बिल्कुल टहलता हुआ, तो मैं उसको एम करता हूँ, और बहुत ही माइनर सा उसका हेड दिख रहा होता है, तो मैं उसको नॉक कर देता हूँ। तीन चार हेड लगते हैं उसको, और वो तुरंत वहाँ पर नॉक हो जाता है। उसको नॉक करने के बाद मैं तुरंत उसके ऊपर रश कर देता हूँ, रश करता हूँ और फिनिश करता हूँ उसको। उसके बाद देखो क्या होता है। उसके पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, ये जो लैग का दिख रहा है आपको गेम प्ले, ये थोड़े फ़ोन की मेमोरी ज़्यादा होने की वजह से हो रहा है, तो इसे आप थोड़ा सह लेना, है ना। नेक्स्ट टाइम आपको ये बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा। अभी फ़िलहाल इसको फिनिश करता हूँ। फिनिश कर जैसे ही फिनिश करता हूँ, मेरे पीछे से सिडान गुजरती है, एक बंदा होता है और वो सिडान निकलता है लेके। मेरे को लगता है इसी का कोई टीममेट है जो यहाँ पर आता है इसके नॉक होने के बाद, लेकिन वो पीछे चला जाता है और पीछे जाके गाड़ी चेंज करके आता है। वो गाड़ी ही चेंज करने आया था शायद, तो गाड़ी चेंज करके वो जैसे आ रहा होता है मेरी तरफ, तो देखो उसको फिर मैं कैसे बजाता हूँ। तो इसको नॉक कर देते हैं, नॉक करने के बाद इसको फिर तुरंत फिनिश भी करना है, और फिनिश कर भी देता हूँ, तो इसको भी फिनिश कर देता हूँ। अब इसको बजाया है यहाँ से, सामने से मैं गाड़ी उठाता हूँ और गाड़ी उठा के पहुँच जाता हूँ अपना सेंट्रल रोड की साइड, क्योंकि वहाँ पर हो रही थी बंदों की फाइट। अब देखो जैसे ही मैं यहाँ पर गाड़ी लेके आता हूँ, देखो मुझे कितना गंदा डैमेज पड़ता है, मतलब पता नहीं, ये मेरे को पता ही नहीं चला कि किस साइड से पड़ा, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ बंदे हैं। अभी फ़िलहाल जैसे ही मैं इस घर में आता हूँ, फिर देखो एक बंदा आता है, एक बंदा ऊपर से आता है और एक बंदा बाहर से आता है बाद में। पहले वाले बंदे को तो मैं नॉक कर देता हूँ, लेकिन जो बाहर से बंदा आता है वो मेरे को बजा देता है, क्योंकि मेरी हेल्थ बहुत कम थी और मेरी टोमी भी रिलोडिंग पर लगी हुई थी। तो इतना पिटने के बाद हम लगा लेते हैं अपना दूसरा गेम, और दूसरे गेम में आ जाते हैं हम यहाँ पर ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में उतर रहे होते हैं, क्योंकि पहले मैं प्लान बना रहा था अपना वेयर हाउस की साइड पे उतरने का, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ नहीं, ईस्ट डिस्ट्रिक्ट चलते हैं, वहाँ पर जब बंदे आएंगे उनसे फाइट लेना थोड़ा ईजी होगा, लेकिन वेयर हाउस पर इतना ईजी नहीं होता फाइट लेना। तो मैं ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में आ जाता हूँ और यहाँ पर आता हूँ, लेकिन यहाँ पर बंदे ही नहीं आते, मतलब सोच के ये आया था कि बंदे वहाँ नहीं यहाँ आएंगे, लेकिन यहाँ घंटा बंदे नहीं आते। तो यहाँ पर लूट वूट करता हूँ, सबसे पहले मैं गन वन देखता हूँ, मेरे को गन मिल भी जाती है, मेरे को यहाँ से गन मिलती है M16C4, और जैसे मेरे को गन मिलती है मैं तुरंत रख कर बंदे के ऊपर रश कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक बंदा तो था जो यहाँ से मेरे को निकलते हुए दिखता है, और जैसे ही मेरे को वो एम में आता है मेरे, तो मैं इसको M16C4 से नॉक कर देता हूँ और तुरंत इसको फिनिश भी कर देता हूँ। अब इसके फिनिश होने के बाद यहाँ पर और कोई भी बंदा नहीं था, ना ही एक आधा बोट था, कुछ नहीं था, मतलब यहाँ पर एक ही अकेला बंदा आया था। इसको फिनिश करने के बाद मैं वेयर हाउस की साइड आ जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बंदे फाइट ले रहे होते हैं
फायर आ रहा होता है मुझे सुनाई, मतलब अच्छा खासा, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ इस कोर्ट हाउस में। और जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, मेरे को ये दिखता है बंदा आता हुआ। देखो सबसे पहले मेरे को इसके स्टेप आ जाते हैं, तो मैं इसको देखता हूँ तुरंत, और देखते ही मेरे को यहाँ पर मतलब एम लेके बैठ जाता हूँ। टीपीपी जैसे ही आएगा इसको बजा देंगे। तो इसके आते ही सबसे पहले मेरे को इसका हेड दिखता है हल्का सा, तो मैं इसको डैमेज देता हूँ एक दो बुलेट पड़ने के बाद ही तुरंत। हल्का सा नीचे जाके वो तुरंत रस कर देता है, लेकिन तभी उसका दूसरा बंदा भी आ जाता है उसको फिनिश करते ही। और देखो वो बाहर बैठा हुआ है, तो मैं दिमाग में मतलब ऐसे ही मेरे चुल मच दिया है कि इसको M16A4 से फिनिश करेंगे, वो भी सिंगल सिंगल टैप पे। ठीक है, मतलब ऐसी दिमाग में आई बात कि चलो उसको फिनिश करके देखते हैं। मतलब अपना गेम प्ले मैंने पूरा इस M16A4 के सिंगल पे दाव पे लगा दिया था, और फिर देखो हम इसको बजा पाते हैं नहीं। तो इजीली हम इसको नॉक करके फिनिश भी कर देते हैं, मतलब हम कर देते हैं गाइस, हो गए हमसे। ठीक है, हमने M16A4 से सिंगल पे बंदे को नॉक किया और फिनिश भी किया। अब फिलहाल हम यहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि जोन आ गया था। और देखो इस जो बंदा मैंने अभी फिनिश किया M16A4 से, इसका एक लास्ट बंदा यहाँ पर होता है। मैं जैसे यहाँ पे आता हूँ, मेरे को स्टेप आ जाते हैं बंदे के भागने के, और मैं जैसे पीछे अपना कैमरा करता हूँ मेरे को दिख भी जाता है बंदा। तो पहले सोचता M4 से लेता हूँ इसको, नहीं फिर टोमी, मतलब पहले सोचता हूँ मैं कि इसको M4 से लेता हूँ, लेकिन फिर सोचता हूँ नहीं टोमी से आराम से इसको हम पेल सकते हैं, तो हम टोमी निकालते हैं और इसको इजी बजा देते हैं। तो इसको बजाने के बाद इससे लूट वूट लेते हैं जो भी इसके पास है, थोड़ी बहुत नेड वेड उठाता हूँ, और नेड उठाने के बाद चलते अपनी वापस कार की तरफ। और यहाँ से गाड़ी लेके मैं आगे आ जाता हूँ, यहाँ पर ये जो हमारा विलेज साइड है यहाँ पर आ जाता हूँ। यहाँ पर देखो होते बंदे मेरे को आते, बंदे का दिख भी जाता है और उसके स्टेप भी मेरे को आ रहे होते हैं अच्छे खासे। तो मैं यहाँ से सबसे पहले एक नेड कुक करता हूँ, वो बंदा भी नेड कुक करता है मेरे साथ में, और फिर देखो क्या होता है। मैं यहाँ से नेड फेंक देता हूँ और यहाँ से अपनी पोजीशन चेंज कर देता हूँ। बंदे को होता है डैमेज, डैमेज होने के बाद बंदा मतलब वहीं पर रुक जाता है, ना ही तो मेरे ऊपर रस कर रहा होता है ना ही कुछ भी, मतलब बैठ जाता है। और क्या करता है वो सीढ़ियों में नेड गेर देता है, सीढ़ियों में नेड फेंकने के बाद जैसे ही नेड फटता है, मैं यहाँ से एक स्मोक फेंकता हूँ लाइक उसको डराने के लिए, ताकि वो डरे और थोड़ा बहुत मेरे को पता चले कि बंदा कहाँ पर बैठा हुआ, मेरे को पता चल जाता है। और इसको इजीली हम यहाँ पर नॉक कर देते हैं और साथ ही में इसको फिनिश भी कर देते हैं। मतलब मेरे को इसका स्टेप से पता लग गया था कि बंदा एक साइड में खूट में बैठ गया है, और जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती थी, ऐसे मतलब बैठना नहीं चाहिए, अपना बिल्कुल गन वन लेके हाथ में सतर्क रहना चाहिए। तो यहाँ से इसको फिनिश करने के बाद यहाँ से मैं निकल के आ जाता हूँ, मतलब निकलता नहीं हूँ वहीं पर होता हूँ, लेकिन पीछे ड्रॉप होती है मुझे, ड्रॉप के पास बंदा नहीं होता, लेकिन वहीं पर जंक यार्ड में जो ऊपर वाला घर है वहां पर बंदा होता है। दो बंदे होते हैं, दोनों दिख जाते हैं मेरे को, लेकिन पहला जो बंदा दिखता है वो मेरे को बिल्कुल भी मौका नहीं देता है उसको नॉक करने का, लेकिन जो दूसरा बंदा होता है वो दिख जाता है मेरे को टीपी भी लेता हुआ, मतलब एक जगह एम करके बैठा हुआ दिख जाता है मेरे को। और जैसे ही मेरे को ये मौका मिलता है, तो देखो फिर उसको कैसे, इसको तुरंत नॉक करने के बाद ये पीछे मेरे को पता नहीं बंदा ही था या बोट था, मैंने इतना उसको डैमेज दिया, लगभग उसको पूरी मैगजीन लगी थी, लेकिन बंदा फिर भी नॉक नहीं हुआ। पता नहीं ये ग्लिच है पबजी का या मेरे साथ ही होता है, कई बार होता है मेरे साथ ही। तो ये इसको करने के बाद मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, ये जो रिज का कवर है, और ये मेरे को सामने पहले पोर्ट दिखता है, इसको एडजोट लगता है, इसको मैं फिनिश कर देता हूँ। अब देखो मैं यहाँ पर बैठा हुआ होता हूँ उन बंदे के इंतजार में कि कोई सा मेरे को पीक दे और मैं उनको फिनिश करूँ, लेकिन उनमें से एक बंदा मेरे को पीछे जाते हुए दिखता है, मतलब वो पीछे पहाड़ी के ऊपर जाता हुआ दिखता है, सेंट्रल रोड की साइड जो पहाड़ी है उनके ऊपर जाते हुए दिख जाता है। और जैसे ही वो मेरे को दिखता है, मैं उसको करता हूँ यहाँ से नोक, दो बार दिखता है वो मेरे को, पहले टाइम में तो मैं उसको नोक नहीं कर पाता, लेकिन दूसरी अटैम्प्ट में मैं देखो उसको फिर कैसे नोक करता हूँ। तो इसको नॉक करता हूँ मैं, और नॉक करने के बाद इसका जो दूसरा बंदा था, दूसरा टीममेट था, वो मेरे को लगता है कि यहीं पर इसी घर में है, लेकिन जब वो थोड़ी देर बाद मतलब निकलता नहीं है, ना ही मेरे को पीक देता है ना ही फायर देता है, तो मैं समझ जाता हूँ कि बंदा वो यहाँ पर नहीं है। तो मैं तुरंत कर देता हूँ गाड़ी उठा के उनके ऊपर रस, मैं पूरा घूम के जाता हूँ, क्योंकि अगर सामने से गया एक तो बंदे बिल्कुल मुंह पे आ जाएंगे मेरे, बिल्कुल मेरे को बिल्कुल भी उतरने का भी मौका नहीं देंगे गाड़ी से, और इजीली मेरे को बजा सकते हैं। तो मैं पूरा घूम के आता हूँ, और देखो जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ मेरे को बंदे दिख जाते हैं आते हुए,
यहाँ पर जैसे ही मैं रुकता हूँ, देखो गाड़ी के अंदर बैठे बैठे मेरे को दोनों बंदे दिख जाते हैं आते हुए। तो ये पहला बंदा दिखता है, इसको डैमेज देता हूँ। और यहाँ पर इनको इजीली बजा देता हूँ। मतलब पहले बंदे को मैं डैमेज देता हूँ, नॉक करता हूँ, और दूसरे बंदे को फिर आराम से टोमी से बजा देता हूँ। तो यहाँ पर हम इजीली चिकन डिनर कर लेते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।